अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन मंडी, जो मथुरा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर लगती है। गोवर्धन काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है। गोवर्धन मथुरा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ये मंडी लगती है। अभी हम लोग मंडी के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके का यहाँ एनिमल्स रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे हम लोग आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मिलते हैं। यहाँ पर कट्टू का माल काफ़ी ज़्यादा आता है। आप सीप भी देख सकते हैं, सीप भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ देखने के लिए, और आप बाय भी कर सकते हैं यहाँ से। ये मंडी ऑन हाईवे पे लगती है, मथुरा से जो गोवर्धन के लिए गया है उस हाईवे पे ही ये मंडी लगती है थोड़ा अंदर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मंडी की रसीद काफ़ी सस्ती है। माल आप ख़रीदेंगे तो गाड़ी के हिसाब से आपको पैसा देना है। आने का काफ़ी आसान इजीली तरीका है। गोवर्धन काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ जो मंदिर हैं और काफ़ी बड़ी प्रसिद्ध जगह है। गोवर्धन काफ़ी फेमस जगह है, मंदिर हैं और भी धार्मिक स्थल की वजह से काफ़ी गोवर्धन मानी जाती है, जो कृष्णा जी का जन्म जहाँ हुआ था वहाँ से गोवर्धन मथुरा, ये मतलब पास पास अब करीबी में लगता है। तो ये है गोवर्धन मंडी का पूरी डिटेल्स एंड कहानी, और आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। गोवर्धन मंडी का मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का खास रीज़न ये है कि यहाँ पर किस तरीके का माल आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। आने वाले दिनों में मैं फार्म्स के भी वीडियो अपलोड करूँगा, और थोड़ा परेशान की वजह से थोड़ा वीडियोस कम आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग हमारा सपोर्ट करें और ये वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी ज़रूर दबाएं। इससे क्या है, हमको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहना चाहिए इंशाल्लाह। सो यहाँ पर देखेंगे आप, कट्टू के माल काफ़ी तादाद में मिल जाएगा आप लोगों को, और काफ़ी रिजनेबल रेट में यहाँ पर रहता है। ये मंडी का पूरा नक्शा बता देता हूँ आपको। ज़्यादा बड़े में तो ये मंडी नहीं लगती है, खैर छोटी जगह में ही लगती है, और माल भी अच्छी तादाद में आ जाता है। वैसे गोवर्धन मंडी, महावन मंडी, मथुरा वाली मंडी से काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आप गाय भैंस भी देख सकते हैं। गाय भैंस का वीडियो नहीं शेयर करेंगे हम लोग, ओनली बकरी का दिखाएंगे आप लोगों को, बकरी की जानकारी देंगे। गोवर्धन मंडी काफ़ी मानी जाती है अपने नाम से, और यहाँ पर आपको मेवाती डांग के बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो राजस्थान की सीमा है 20 से 25 किलोमीटर रह जाती है। गोवर्धन से डीग से कुमेर, मतलब ये राजस्थान के बेल्ट में लगता है। ये यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है गोवर्धन। गोवर्धन से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सीमा लग जाती है। सो यहाँ पर राजस्थान के डांग के बच्चे, तोतापुरी के, करौली के, गुजरी के बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, और क्रॉस मिक्स में भी जानवर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी मिल जाते हैं माशाल्लाह। कट्टू का माल तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आता है। तो ये था हमारा गोवर्धन मंडी का वीडियो। आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ये हैं कुछ गोवर्धन मंडी के पिक्चर्स जो मैंने शूट किए हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ पर 5,000-4,000 की रेंज में काफ़ी छोटे बच्चे मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके विज़िट करें। सो ये था हमारा गोवर्धन मंडी का वीडियो। आने वाले दिनों में हम और भी वीडियो शेयर करेंगे।